साथियों, कई बार ये देखने में आ रहा है और तमाम व्यूअर्स, तमाम सब्सक्राइबर्स मुझे लिख रहे हैं कि जन सूचना अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और सूचनाएं देने से मना कर दे रहे हैं। 81J में, कभी सेक्शन 11 में इस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, सूचना देने से मना कर रहे हैं। जैसे लगता है कि सूचना अधिकार अधिनियम कोई सरकारी अधिनियम ना होकर उनके घर की किताब है और वो उनकी मर्जी से चलेगी। तो मैं आपको बता दूँ, आज मैं आपको बताऊँगा एक हाईकोर्ट का आदेश, जिस आदेश के बाद जन सूचना अधिकारियों की मनमानी हो जाएगी ख़त्म और वो करने लगेंगे सही तरीके से काम। और ये आदेश इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसको देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को तय किया है। तो आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट आपका चौधरी लीगल एसोसिएट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और जिन भी व्यूवर्स ने, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम, हमारे जो पेज हैं वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। और एक गुजारिश, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी कर दिया करें। तो आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो मसला ऐसा है कि एक व्यक्ति ने सूचना अधिकार का प्रयोग किया और जन सूचना अधिकारी को एक पत्र लिखा और सूचनाओं की मांग की। जन सूचना अधिकारी ने उसको जो है उस पत्र पर सूचना देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि सूचनाएं जो हैं देने वाली नहीं है, सूचनाएं का कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, सूचनाएं पर्सनल इंटरेस्ट की हैं, इसलिए आपको नहीं दी जाएंगी। उस व्यक्ति ने अपील की, प्रथम अपील की सेक्शन 19 क्लॉज 1 में, वहाँ भी कोई उसको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। फिर सेकेंड अपील की सेक्शन 19 क्लॉज 2 में, RTI एक्ट में, वहाँ भी जब सेकंड अपील की वहाँ भी उसको संतुष्टिपूर्वक आंसर नहीं मिला और उसकी अपील निस्तारित कर दी गई, उसकी अपील जो है वो पूर्ण कर दी गई, सुनवाई उसकी पूरी हो गई, लेकिन व्यक्ति संतुष्ट नहीं था। उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया क्योंकि मामला फंडामेंटल राइट्स का था। उस व्यक्ति ने जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में जब उस रिट को फाइल किया RTI को, तो उस RTI के मसले को लेकर के, तो मामला ये आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो वर्डिक्ट दी, जो ऑर्डर दिया वो ये था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि PIO कोई ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है जिसको किसी न्यायालय ने देने से मना किया हो। जी हाँ, एक बार फिर सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PIO कोई भी ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है जिसको किसी न्यायालय ने देने से मना किया हो। हालांकि RTI अधिनियम के सेक्शन 2 में जिन चीज़ों का वर्णन किया गया, जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है, उन सेक्शंस 2 के डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सेक्शन 2 में बताए गए हैं, सेक्शन 2 के सब सेक्शंस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, उन सब की सूचना देने के लिए PIO बाध्यकारी है, उसको उन सब की सूचनाएं देनी चाहिए। लेकिन PIO ऐसी कोई भी सूचना नहीं देगा जिसको देने के लिए किसी न्यायालय ने उसको मना किया है। तो आदेश बड़ा साफ, बड़ा स्पष्ट है और आप लोगों को याद कर लेना चाहिए इस आदेश को, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। कई बार ये होता है कि हम बिना बात की चीज़ों में अपना टाइम ख़राब करते हैं, हम ऐसी चीज़ों के पीछे लग जाते हैं कि जो हमें नहीं मिलने वाली होती हैं, तो वहाँ पर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर, मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ी बात, कि जहाँ पर आपको लगता है कि सूचना अधिकार से कोई चीज़ नहीं मिलेगी, सूचना अधिकार को तमाम तरह से बाउंड भी किया गया है, वहाँ पर आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 76 में सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तमाम भाई हैं, तमाम बहनें हैं जो ले रहे हैं इस तरीके से डॉक्यूमेंट, और वो अपडेट भी करते हैं कि सर मिला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, जाने से पहले इस केस का जो शीर्षक, जो टाइटल है वो मैं आपको बता दूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसका शीर्षक है खानापुरम गंडैया वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड अदर, और 2010 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, आपको आसानी से मिल जाएगा। और केस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी किया है। तो जो भी चीज़ें आप याद रखें कि PIO केवल उन चीज़ों को रोक सकता है जिस पर किसी न्यायालय ने देने से मना किया है। और हम और आप जितने भी एक्टिविस्ट हैं RTI के, या RTI मांगने वाले, लिखने वाले, लेने वाले, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं। और ऐसा तो कभी कभी ही होता है कि किसी न्यायालय ने किसी चीज़ को देने से मना कर रखा है। सेक्शन 2 में जितनी भी चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में कहा है, सारी आपको देनी पड़ेंगी। केवल उन चीज़ों को रोकेंगे जिसको देने के लिए किसी न्यायालय ने मना किया है। तो आप साफ साफ समझ लीजिए, अगर किसी न्यायालय ने कोई सूचना देने से मना किया है, हालांकि अगर 100% की मैं बात करूं
तो 1% भी ऐसी सूचनाएं नहीं हैं जो न्यायालय ने मना की हैं। 1% के पॉइंट में भी ऐसी सूचनाएं बहुत कम रेशियो में आती हैं जिनको किसी कोर्ट ने मना किया कि सूचनाएं आप नहीं देंगे, अदरवाइज़ सारी सूचनाएं सेक्शन 2 में कवर होती हैं, सारी सूचनाएं आपको मिलती हैं। तो आपका जन सूचना अधिकारी, अपील अधिकारी आपसे कहता है कि आपको सूचना नहीं मिलेगी, तो आप उसको बताइए कि केवल आप उन सूचनाओं को रोक सकते हैं जो किसी न्यायालय ने देने से मना किया है, अदरवाइज़ सेक्शन 2 में जो सूचनाएं देने के प्रावधान हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। वो आपकी जागीर नहीं, वो आपकी संपत्ति नहीं, वो आपकी सूचनाएं देने के लिए आपको नियुक्त किया गया है। अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहते हुए उन सूचनाओं को उपलब्ध करवाइए, अन्यथा आपके विरुद्ध भी तमाम कार्रवाइयाँ हम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।